नमस्कार जोहार, मैं संतोष कुमार मेहता। हमारे साथ मौजूद हैं 2010, 2015 और इस बार 2022 में मुखिया पद से विजय प्राप्त करने वाली मुखिया उम्मीदवार सरिता देवी जी। आइए उनसे जानते हैं कि 3 बार विजय प्राप्त किया, जीते हैं, अपने पंचायत की जनता से कैसे विश्वास प्राप्त किए, कैसे विश्वास हासिल हुआ और 3 बार मुखिया पद से चुनाव जीती। सरिता जी, आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। जी, आप सब को भी मेरे तरफ से बधाई देना चाहती हूँ। जैसे कि आपने एक सोनातु प्रखंड के आपके पंचायत में 3 बार 2010, 2015 और इस बार 2022 में चुनाव जीते, तो आपके पंचायत के जनता को आप किस प्रकार आप पे भरोसा हुआ है, क्या कुछ किए कि आपके पंचायत की जनता आपको भरोसा करके आपको 3 बार मुखिया पद से जीत दिलाएं? जनता ने जो भी हमको, मतलब जनता आते थे तो हम सबसे पहले तो हम सब सबको सम्मान देते थे। मेरा जो भी होता था पहले साइन करते थे, इसीलिए हमको जनता ने हमको बहुत सपोर्ट किया, इसीलिए हम जीते हैं 3री बार। जैसे कि इस बार आप चुनाव लड़े, इस बार भी आप चुनाव जीते, इस बार चुनाव लड़ने का आपका मकसद क्या था इस बार चुनाव में? मेरा मकसद यही था कि हम ग्रामीण जनता को हम काम में काम करेंगे और वो लोग को जरूर विश्वास के साथ मैं काम करूंगी और हर एक काम के समाधान में करूंगी। चुनाव प्रचार के दौरान आप आपके पंचायत के हर एक गांव गए होंगे, तो आपके पंचायत में क्या क्या समस्या दिखी आपको? समस्या तो बहुत कम दिखा, कहने का हम तो बहुत 2010 से 2022 तक हम काम करते आए, इसलिए कमें दिखा मतलब क्या बोलेंगे, पीछे वही सब पे फिर चापाकल जो खराब है उसका हम समाधान करना चाहती हूँ। जैसे कि 2010 से 2022 चुनाव से पहले तक महिला के लिए आप क्या कुछ काम किए हुए? महिला के लिए तो जो भी काम होती थी वो करते आए हैं, जैसे भी मेरा थ्रू से होता था वही चीज़ हम करते आए हैं। इस बार महिला के लिए आप क्या कुछ सोचे? महिला अगर वो लोग आके हमको बोलेगा कि हमको ऐसा करना है वैसा हम कर देंगे। महिला को रोजगार के लिए, क्योंकि हम लोग का ये ग्रामीण क्षेत्र अधिकतर है, तो ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण महिलाओं को रोजगार के लिए बहुत दिक्कत होती है, तो महिला को रोजगार के लिए जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय योजना एक चलता है, कौशल विकास योजना, उसके तहत आप सिलाई कढ़ाई का काम होता है, उसमें जोड़ना चाहेंगे आपके पंचायत की महिलाओं को? हाँ, जोड़ना चाहेंगे। और हम लोग का ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण यहाँ शिक्षा भी बहुत, शिक्षा का स्तर भी बहुत नीचे है, तो आप 2010 से 2022 में भी आप चुनाव जीते, आपका लगभग आजकल 22 साल भी हो रहा होगा, तो शिक्षा के क्षेत्रों को आप किस तरह से बढ़ावा दीजिएगा, क्या कुछ ऐसा कीजिएगा कि सरकारी स्कूल का बच्चा भी प्राइवेट स्कूल का बच्चा जैसा तेज तड़ार निकले? सबसे पहले तो मैं अभिभावक को जागरूक करूँगी कि आप लोग बच्चों को पहले स्कूल भेजिए अच्छा से, और जैसे प्राइवेट स्कूल का बच्चा जैसा ही आप लोग का बच्चा पढ़े। आपके पंचायत की जनता आपको भरोसा करके चुनाव जिताएं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे आपके पंचायत की जनता को? मेरे पंचायत के जितना भी ग्रामीण जनता जन हमको बहुत अच्छा विश्वास किया, 2010 से लेके 2022 तक हमको लगातार जीत हासिल किया, जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जनता ने बहुत अच्छा हमको प्यार, बहु बेटी का सम्मान दिया और सारा चीज़ हमको बहुत अच्छा से विश्वास होते हैं जीत हासिल हुआ मेरा। चलिए, हाँ, आपके पंचायत की जनता को आपके ऊपर आसानी भरोसा भी है कि आप अपने पंचायत को विकास कार्य आगे बढ़ाइए। हमारे चैनल को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।